दो के पावर विद्यार्थिका ने 71 प्लस दे दिया, दो के पावर 72 और प्लस दे दिया, दो के पावर 73 और प्लस दे दिया, दो के पावर 74। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाजित हो। देखा जाए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे छोटा वाला हम लोग पावर कॉमन ले लेते हैं। तो दो के पावर कितना 71 कॉमन, तो यहां बचा कितना 2 के पावर 0, यहां बचा कितना 2 के पावर 1, यहां बचा कितना 2 के पावर 2, यहां बचा कितना 2 के पावर 3। ऐसा मान बनेगा 2 के पावर विद्यार्थिका ने 71। यदि मान का गणना करते हैं तो ये 1 होगा सर, ये 2 होगा सर, ये 4 होगा सर, ये 8 होगा, 8 4 12 12 2 14 1 15। तो 2 के पावर विद्यार्थिका ने 71 और गुणे 15। अब विद्यार्थीगण देखेंगे गौर से समझिएगा, 15 है हमको यहां पर, 2 के 1 है 71 को, 1 दूसरे को दे देते हैं, 15 को कोई काट देता तो आंसर वही होता, तो 15 को कोई काट नहीं रहा है। तो यहां पर तो 2 बोलेगा ना कि ठीक है 15 तुम नहीं कट रहे हो ना, लो हमसे 2 ले लो, लो हमसे 2 ले लो, तो 2 इसको 5 दे देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 70 और गुणे 1 वहां पर विद्यार्थीगण 30। बताइए कौन औसम इसको काटेगा 10, तो ये 10 से कटेगा आंसर। सबसे पहले